प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मेतया तर्भोग तं सर्वभूतहृदयं अभी हम लोग श्रीमद्भागवत से कथा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। महाराज परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे और वितरागी परम भक्त रसिक सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते जा रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। संक्षेप में हम लोगों ने ये दो चार घंटे की बात नहीं, कुछ दिन एक महीने कम से कम श्रीमद्भागवत का प्रवचन हो तो कुछ हम लोग समझ सकते। एक महीना 7 दिन में नहीं, 14 दिन में भी नहीं, एक महीने में। और जो निरंतर पाठ होता है किसी रसिक के मुख से सब समय, वो सर्वोत्तम। एक महीने वाला मध्यम और 7 दिन वाला जो प्रवचन होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, वो उतना अच्छा नहीं, वो सबसे कम कोटि का है। तो हम लोग को ये 4 दिन में, और वो भी 1 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा पूरी भागवत नहीं हो सकती। तभी हम लोग संक्षेप में उसे बतलाने की चेष्टा की। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, पुत्र से, धन से, संपत्ति से कोई भी विश्व में सुखी नहीं रह सकता। बिना भगवत भजन के, उनकी कृपा के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। एक राजा थे चित्रकेतु महाराज, धन धान्य से पूर्ण थे, बेटा नहीं। सोचा जब बेटा नहीं है इसे जन बेकार का, हमारा पिंड कौन देगा, हमारा संस्कार कौन करेगा, और हमारी धन संपत्ति किसको मैं दे जाऊंगा। वे लोग बड़े पापी हैं जिनको पुत्र नहीं होता, सोच रहे हैं उनको भगवान ने पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दी, बड़े दुखी। और उसी समय एक दिन पर्वत महाराज, पर्वत गोस्वामी, जिनकी बुद्धि और भक्ति पर्वत के समान है, ऐसे एक महर्षि अनुभवी उनके पास में आए। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी बहुत संक्षेप में 10 मिनट में 15 मिनट में इस कथा का बतलाएंगे, खूब संक्षेप में, केवल उपदेश। तदनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं, बहनों, सभी को मेरा यथायुक्त प्रणाम स्वीकार। अभी अभी श्री महाराज ने आज्ञा दी है, चित्रकेतु महाराज उनके दरबार में पर्व महाराज भी पहुंचे। चित्रकेतु महाराज इतने बड़े राजा थे, भारतवर्ष के एक माने के बीच बहुत बड़े राजा है, जिनके लाखों पत्नियां हैं, परंतु दैववश एक भी संतान उन्हें प्राप्त नहीं। इसलिए सब प्रकार से संपन्न होते हुए दुखी,
जब ऋषि उनके राज दरबार में पहुंचे, उनका आदर सत्कार हुआ, उन्होंने पूछा, आप सब प्रकार से कुशल तो हैं, किसी प्रकार कोई दुख कष्ट तो नहीं? तब राजा ने अपने दुख की बात सुनाई, हम सब प्रकार से संपन्न और सुखी होते लिए एक विषय में देखें, जो हमें एक भी संतान नहीं, इसके लिए हमने कितने विवाह किया, इससे कोई ठिकाना नहीं, पर तो एक भी संतान नहीं मिला, मुझे इसका दुख। उन्होंने बहुत समझाया, ऋषि ने प्रयास भी की, परंतु राजा को प्रबुद्ध नहीं हुआ। बालक के लिए आतुर की संतान किसी भी तरह से मिल जाए, तो बोले अच्छा एक फल मैं देता हूं, इसी को आप अपने पत्नी को खिलाइए, किसी को भी जिसको खिलाएंगे उसको सब गुण संपन्न, ये घर से सोच प्र बालक था। इतना कहीं कहते ऋषि तो चले गए, उन्होंने उस फल को खिलाया और दैव क्रम से एक सर्वगुण संपन्न बड़ा सुंदर एक बालक हुआ। अब बालक के होते ही राजा इस प्रकार बालक के मोह जाल में फंस गए कि दिवारात्र उस बालक को लेकर के और उस रानी के साथ में रहे। राज दरबार में क्या होना है और जितनी रानियां हैं बेसर है उनके प्रति कोई दृष्टि कोई भावना नहीं देते, सभी को भूल गए, बालक के स्नेह प्यार नहीं भूले। ऐसे जब वे चला, 4-5 वर्ष का वो बालक हो गया, बड़ा सुंदर बालक, राजा की खुशी में डूबे हुए, परंतु एक कमजोर रानियां, एक लाख रानियां बेसर एक दिन विचार करने लगी कि जब से ये बालक हुआ है तब से हम लोगों का दुख का कारण हुआ कि राजा हम लोगों को ना तो प्यार करते हैं, ना हमें कभी कपड़े के लिए भी पूछते हैं, कभी पूछते भी नहीं, ना प्यार करते, इसलिए हम लोगों के सुख में बाधा दुख का कारण यही बालक। इस बालक को हटा दिया जाए तो फिर से हम लोगों को सुख मिल जाए। इस प्रकार मंत्रणा करती हुई स्त्रियों ने, एक दिन वह बालक सोया हुआ था, उनमें से एक ने कालकूट विष ले जाकर के उसके मुंह में दे दिया। देते ही बालक की आंखें तो पलट गई, एकदम सारा शरीर काला पड़ गया, प्राण पखेर उड़ गया। बहुत देर हो गया, अभी तक बालक उठा ही नहीं, तो यह देख करके उनकी माता ने कहा दासी से कि देखो तो अभी तक क्यों सोया हुआ है, उसको जगाओ। तो दासी जगा ले गई तो देखा कि अब बालक है ही नहीं, मर गया, बालक चला गया है, मर गया है। वह देख करके तो वो बड़े जोर से चिल्ला करके रोने लगी, उसके रोने की आवाज सुनकर के उस बालक की माता दौड़ करके आई और ऐसी स्थिति देख करके पछाड़ खा करके गिरी उस बालक के ऊपर में और बड़े जोर से रोने। इस प्रकार राजा को खबर पहुंचा तो राजा तो राज दरबार में ही वहीं पर गिर पड़े, बड़े मुश्किल से लोगों ने पकड़ करके लाया और आ करके वहीं पर गिरे और रोते रहे। और जितनी रानियां थी देखा रो रही है, राजभवन केवल रोने की धूम मचा गई, सभी लोग रो रहे हैं उस बालक के शोक। इसके बीच में श्री नारद जी और वही अंगिरा 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 ऋषि दोनों वहां उपस्थित, बड़े मुश्किल से जब उनके अंदर में प्रवेश किया और राजा तो अब कहां जाए, दोनों के पैर पकड़ करके बड़े जोर से रोने लगे कि महाराज जब मेरा बालक नहीं था तब तो मैं सुखी था, आज बालक हो करके ये बालक चला गया, इसके लिए इतना मिला हूं दुख जो सहा नहीं जाता है। तो बड़े व्याकुल होकर के रोने लगे। उस समय ऋषि बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, उस बालक को थपथपाया, अरे बालक कैसे सो रहा है, अरे उठ जाओ, तुम्हारे लिए सब लोग रो रहे हैं दुखी हैं, तुम कैसे सोए हुए हो, उठो उठो, हाथ थपथपा लो। इतने में बालक ये उठा, उठ करके बैठ गया।
आंख मलते हुए सबकी ओर देखा। बोले आप लोग कैसे रो रहे हैं, क्या बात? सब लोग बड़े दुखी थे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब अपने पिता माता से कहा, बोले आप लोग क्यों रो रहे हैं? मैं जहां चला गया वहां अच्छी जगह में गया, अब मैं सुख से। आप लोग हमारे पिता माता, अरे हम भी तो आपके पिता माता कई बार बन चुके। इस आत्मा जो है, यह आत्मा न किसी की माता न किसी के पिता बनता है, वह तो अजर अमर है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं। फिर भी शरीर के साथ में होने के कारण कर्मों के द्वारा यह मानव जीवन मिलता है, सारे शरीरों में जन्म होता है, फिर कर्मों को लेकर के चला जाता है। इसलिए बार बार जन्म और मृत्यु, परंतु आत्मा जो है रिक्त चेतन वस्तु, इस शरीर से पृथक, इसके लिए छूट मोह कहना तो व्यर्थ देगा। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करते, मैं जहां गया हूं वहां सुख से हूं। इस प्रकार कहते हुए बालक फिर से सो गया, उसके शरीर में से आत्मा निकल गई और वह चला गया। चले जाने से और राजा को मोह दूर हुआ। राजा और ऋषि के चरणों में गिर पड़े, बोले कि हे महाराज, और मेरा मोह दूर हुआ है और आसक्ति हमारी समाप्त, हमें आप कृपया ऐसा उपदेश दे कि जिससे हमारा उद्धार। तब से नारद महाराज ने उनको मंत्र दान किया, बोले कि हे महाराज, आप चिंता नहीं करते, इस पार्थिव वस्तु के द्वारा, पुत्र परिवार धन दौलत विषय सुख के द्वारा, विषय संपत्ति के द्वारा कदापि कोई शांति लाभ नहीं कर सकते, ना कोई सुखी होता है। किसी के पास अपार धन होता है और किसी के पास कम है, तो धन की प्रचुरता होने से सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ये कदापि नहीं, ये संभव नहीं। धन की प्रचुरता हो सकती है, धन दौलत बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कमा सकते हैं, पर उसके द्वारा शांति या आनंद प्रेम नहीं मिल सकता है। वह तो मिलेगा एकमात्र आनंदमय है भगवान श्री कृष्ण, वे ही आनंदमय है, उनको यदि कोई प्राप्त कर ले तब वे सुखी होते हैं, शांति लाभ करते हैं। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज जी ने चित्र के तो महाराज जी को उपदेश दिया, मंत्र दान। और उधर रानियां भी जितने थी सब जने नारद जी के पैर पकड़ करके रोने लगी कि हमने बहुत भारी गलती की, जो हमारी गलती के वजह से यह बालक चला गया, पर हमने ऐसे ही सोचा, इसलिए हमें क्षमा करें, हमारा उद्धार। तब नारद जी बने दयालु, उन सबको मंत्र दिया और सभी लोग कृष्ण का भजन करने लगे, सभी सुख। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज मंत्र जप के प्रभाव से गंधर्वों की गति प्राप्त करके समस्त वायुमंडल में आकाश मंडल में घूमते फिरते थे। एक दिन दैव कर्म से कैलाश में पहुंचे शिव जी के वहां, तो महादेव जी उस समय बैठे हुए थे, तो उनके गोदी में पार्वती जी बैठे थे और ऋषियों की सभा थी, ऋषियों की सभा में वे हरि कथा सुना रहे। ऐसे समय में चित्रकेतु महाराज पहुंचे, जो कि पीछे उन्होंने शंकर संत से भी मंत्र लिया था, इसलिए गुरु भाई जैसे लगते हैं शिव जी, तो इसलिए गुरु भाई के रूप में उनसे कहा, हे महादेव जी, आप धर्म के आचार्य हैं, गुरु हैं, सत सत भगवान के एक स्वरूप हैं, आपके लिए ना तो कोई दोष लगता है ना कोई विडंबना है, परंतु संसार की दृष्टि में लोग संसारी लोग ऐसे ही गलत आचरण करेंगे, इसलिए यह अच्छा नहीं कि अपने पत्नी को बाहर तरफ बैठ ले, अपने गोदे में बैठा करके आप सभा में प्रवचन करें। इस तरह की बात सुनते ही देवी को बड़ा क्रोध हुआ, बोले जाना अच्छा, तुम ही एकमात्र उपदेश देने वाला आ गया, देवादेव महादेव को उपदेश सुना रहे, जा असुरकुल में जाकर के जन्म कर। अविशाप दे उस समय चित्रकेतु महाराज हंसने लगे, हंसते हुए उनके अभिशाप को मस्तक पर ग्रहण कर लिया कि कोई चिंता नहीं।
क्योंकि भक्तों के लिए नारायण परम सर्वे उतस्य न विद्य। जो लोग भगवान के चरण कमल को आश्रय किए हुए हैं उनको कहीं किसी प्रकार कोई डर नहीं होता है, न किसी प्रकार भय। सरगार वर्ग नरते स्वामी तुलार्थ दर्शन स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मुक्ति और नरक सभी के जब उनको समान बराबर जैसे अनुभव होता है उनको कोई परवाह नहीं। वे चाहते हैं कि हमारा जन्म ऐसी जगह हो प्रभु की भक्ति हमें मिले और साधु संतों का संग मिले, इसलिए वे कभी परवाह नहीं करते। तो हंसते हुए चले तो उस समय शिव जी ने कहा, देखा देवी ये है महानुभव भक्त, वे चाहते तो उल्टा तुम्हें अभिशाप दे देते, परंतु उन्होंने कोई अभिशाप नहीं दिया और तुम्हारे दिए हुए अभिशाप को मस्तक पर हंसते हुए ग्रहण कर दिया। क्योंकि त्रस्ता ऋषि के पुत्र विश्वरूप को मार दिया था, इसलिए विक्रासुर को प्रकट किया, यज्ञ में से प्रकट किए विशाल असुर के रूप में। तो उस समय तुम्हारा शत्रु, अतः उसके साथ विरुद्ध करते हुए उसका संहार, समस्त दैत्य सेना उनके साथ मिल गई। असुर सेनाओं को लेकर के बिंद्रासुर ने महाघ्नाय और संघात संग्राम किया। देवता लोग मारे मारे भागे, अंत तक ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास में गए और उनसे प्रार्थना की। तो विष्णु ने कहा, दधीचि मुनि के अस्त्र से जब अस्थिर से यदि वज्र बनाया जाए और उस वज्र के द्वारा विद्रासुर को मारा जा सकता है, अन्यथा संभव, बहुत बड़े बलिया। तो इस प्रकार देवराज इंद्र देवता लोग गए, दधीचि मुनि के अस्थिर को मान लिया दान में और मान करके उससे वज्र बनाया। वज्र बना करके फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ कि युद्ध करते करते वज्र का प्रहार किया। विद्रासुर को ऐसा लगता है कि मानो ये कोई खून बरसा रहे हैं, उनको कुछ भी परवाह। और जब हुंकार मार करके त्रिशूल उठाते या गदा मारते तो देवराज इंद्र के ऐरावत हाथ तक गिर जाए। तो इस तरह के इंद्र के हाथ से वज्र भी गिर पड़ा। कोई बार वज्र को उठाए और मारते रहे परंतु कुछ कारण नहीं करा। उस समय देवराज इंद्र सोचने लगे कि मैं इस वज्र से कैसे मारू, लज्जा के मारे अब वज्र नहीं उठा रहे। इधर में थोड़े से समय घनत्व युक्त हो रहा है तो उसके बीच में थोड़ा सा समय मिलना में बड़ा कठिन काम। ऐसे बीच में विद्रासुर ने सोचा कि मैं प्रभु को क्यों नहीं प्रार्थना करूं, इस समय थोड़ा सा समय मिला है मैं प्रभु की प्रार्थना करूं। इस असुर शरीर में साधु संतों का संग नहीं मिल सकता, इसलिए बड़े व्याकुल होकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अहम हरे हे प्रभु, जन्म जन्म में आपका विरह हमें अनुभव हो,
और उस विरह में आपका स्मरण बना रहे हैं, आपकी प्रार्थना में अजात वर्षा इव मातरम खजा सर्वम यथा वर्ष तरा सदा प्रिय प्रिय दूषिता विसन्ना मनोर बिंदा सदी सपेता अजात पक्षा। ये छोटे छोटे पक्षी के बच्चे अभी पंख निकले नहीं, माता पिता के लिए तरस रहे हैं, खरखराहट आवाज सुन करके चौंक उठते हैं कि कहीं उसकी माँ आकर के उनको खिलाए, उसके लिए तरसते हैं, उत्कंठा है। हे प्रभु हमारे अंदर ऐसी उत्कंठा हो, परंतु पक्षी के पंख हो जाने पर वो तो उड़ के चला जाता है। इसलिए कहा कि ये गाय के बछड़ा है, छोटे बछड़े को दिन भर बांध रखा है, गाय चरने को चली जाती है, जब शाम को आती है तो जोर से आवाज लगाती है, गकारती है। गाय की आवाज सुन करके बछड़ा और हम्बा रब करते लिए रस्सी को किसी तरह से मैया के पास में जाने को तरसता है, पर खोलने को आता है, खोलने को नहीं देता है, इतने उसके अंदर उत्कंठा होती है। हे प्रभु हमारे अंदर भी ऐसी उत्कंठा बने कि आपके प्रति हमारी लालसा प्रार्थना बन जाए। फिर से कहा हे प्रभु प्रियम प्रियम दूषितम विसन्ना, ये प्रिय और प्रियतम प्रियतम दूर देश में प्रवास में जाने पर प्रिय जैसे घर में बैठी हुई और दिवारात्र सोचती रहती है, उनके कल्याण की चिंता करती है, कहीं किसी प्रकार कोई अमंगल तो नहीं हो रहा, कहीं किसी प्रकार कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, इस प्रकार चिंता करती है। तो इस प्रकार हे प्रभु हमारे अंदर ऐसे ही इधर वेदना आपके लिए उत्कंठा ऐसा भाव जागृत हो जो निष्काम निस्वार्थ रूप से अहंकारी भाव से आपके प्रति हमारी भक्ति हो, हमारा प्रेम हो, आपके चरण कमल को हम प्राप्त करें। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार जत्रे भ्रमत स्वकर्म भी तुम्हारे माया के द्वारा रचे लिए इस संसार में पुत्र परिवार बंधु बांधव उनके आसक्ति में मोह में इस प्रकार पढ़ करके इस बंधन में नहीं जाऊं, जन्म जन्म में मेरी यही प्रार्थना है। इस प्रकार पितृसुर ने प्रार्थना की और प्रभु के चरणों में आरती निवेदन। देवराज इंद्र सुनकर के परिचकित हो गए, बोले अरे ऐसे भक्त इसको कैसे मारू, मैं नहीं मार सकता, वज्र नहीं उठाया। तब ऋषियों ने और वहां के देवताओं ने जो सैनिक के रूप में वहां थे सबने कहा कि इसको यदि नहीं मारेंगे तो हम लोगों का विजय नहीं हो पाएगा, हम तो सदा ही हारे रहेंगे और कई तो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। इतने में पितृसुर ने कहा हे देवराज इंद्र हमारे लिए जब ये वज्र बना है तो आप इस वज्र को उठाइए, युद्ध में हार जीत तो सबको होता ही, इसलिए आप वज्र उठाए मुझको मारे, तब तक नहीं उठा रहा। जब उन्होंने ये लोगों दंड ले करके उठाया और प्रहार किया, इतने में वज्र उठा करके मार दिया और उनको डर था कि ये महान भव्य भक्त है, इनको मार करके इस हत्या का पाप हम कैसे लें, इसलिए डर रहे थे, पर मारना ही पड़ा और बहुत दिनों तक प्रयास करते हुए एक एक करके हाथ काटे फिर पैर काटे फिर
वृत्रासुर उनको निगल गए, फिर उसके गला को काटे, इस तरह से वृत्रासुर का वध किया। परंतु देवराजेंद्र को क्या हुआ कि उसको मारने से जो ब्रह्म हत्या वैष्णव हत्या पाप थी, तो वो पाप उसके पीछे दौड़ा, तो इतने में मारे मारे भागता हुआ कमल मानस सरोवर में जाकर के कमल के नाल में छिप गया। 10,000 वर्ष तक बिना खाए पिए वहां पर पड़ा रहना पड़ा, क्योंकि पहले दिन गुरु बृहस्पति के प्रति उनकी अवज्ञा, इस कारण उनको ऐसे प्रायश्चित तो होना पड़ा कि एक वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, साधु के प्रति अवज्ञा अनादर के कारण देवराज इंद्र को भी ऐसे कष्ट भोग करना पड़ा। 10,000 वर्ष तक बिना खाए पिए रहना पड़ा। इसलिए भागवत में जितने भी लक्षण वर्णन किए गए उसमें कहा गया है कि वृत्रासुर बलूपेतम, जिसमें वृत्रासुर बल उपाख्यान वर्णन, नारायण कवच का वर्णन हो, उस शास्त्र को श्रीमद् भागवत जाने समझ। इस प्रकार वृत्रासुर की कथा है कि चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर होकर के आए थे और इस शरीर को छोड़ करके भगवान के रूप में, जैसे भी हो, ऐसे स्थिति में हो कि प्रभु की भक्ति करें, भजन करें, संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में पहुंच जाए। इस प्रकार ऐसी ऐसी कथाएं हैं, मैं यहीं पर अपना वक्तव्य रखता हूँ। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों ने चित्रकेतु महाराज जी का उपाख्यान सुना। ये परम सत्य घटना है, झूठ नहीं सकते। इसलिए संसारी अर्थ के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, पुत्र के द्वारा, कन्या के द्वारा हम लोग सुखी नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे हजारों उपाख्यान हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को, नारद जैसे भक्त को या और भक्तों को भेजते हैं हम लोगों के ऊपर करुणा कर। हम उनके प्यारे जीव हैं, उनके पुत्र हैं, संतान हैं, हम उनके सेवक हैं, और जिससे कि हमारा कल्याण हो और हम फिर भगवान की चरणों की सेवा पा करके हम सुखी हों, इसलिए भगवान बहुत प्रयत्न करते हैं। कभी कभी स्वयं भी आते हैं, कभी कभी अपने अवतारों को भी भेजते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं। इसलिए गीता में कहा गया परित्रणाय साधुनां धर्म संस्थापनाय संभवामी जुगे जुगे, मैं जुग जुग में असुरों का दमन कर अपने संतों की रक्षा कर धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आता हूँ। इसलिए कृष्णचंद्र जी का भी अवतार इसलिए हुआ। धर्म माने क्या है? लौकिक धर्म नहीं, आत्मधर्म के लिए हम उनके लिए सेवक हैं। किसी प्रकार से हम भगवान के चरणों में पहुंचे संसार को छोड़कर, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण होते हुए भी जसोदा के गर्भ में, गोकुल में आए, प्रकट हुए। सबसे पहला काम उन्होंने किया, तारक उनको पुतना आई मारने के लिए, कंस ने भेजा। ऐसी वो राक्षसी थी जो बच्चों को ऐसे ही चना जैसा चिबा जाती, उसका मांस खाती, उसके रुधिर को पीती और छल बल करके वो वहां पर पहुंचा। कृष्ण को उठा लिया पलने से और अपने स्तन में लगा दिया। अरे तुम्हारी मैया कैसी जो इस पलंग पर रख रखा है, हम तो तुम्हें दूध पिलाएंगे, अपने हृदय में रखेंगे। कुछ ऊपर से कपटता करके माता जैसे भाव प्रकट किए और उसके मुख में जैसे पंप होता है अपने स्तन को लेकर के पंप किया। कालकूट बीष, कृष्ण ने आंख बंद कर, ये मैया का बेश बना करके आई और बेटा बेटा भी कह रही, अब इसको क्या करूं। उन्होंने कृपा करके उसके स्तन किए और बोले
यदि स्तन पीने से ही तू मर गई तो मैं क्या करूं? उसका प्राण भी खींच लिया और उसके इस कपटता भरे हुए असुर के शरीर को, राक्षसी के शरीर को छुड़ाकर और उनको क्या किया, माता की जैसी गति दे दी बैकुंठ के ऊपर में, ब्रज धाम में, गोलोक में। ऐसा कृपालु कौन होगा जो उनको मारने के लिए कपट वेश धारण करके आया और तभी उसको माता जैसी गति गोलोक में दे? ऐसा कोई दयालु नहीं हुआ। और भगवान के अवतार लोग दयालु है किंतु इतने नहीं। आप लोग जानते हैं कि तृणावर्त नाम का एक असुर, उसी समय में जब छोटे से बालक थे 1 महीने के, वो हवा का रूप धारण करके आया उनको मारने के लिए। कृष्ण ने सोचा कि बहुत दिनों से आकाश में नहीं उड़ा, जरा उड़ करके जरा भ्रमण तो कर लो। इसलिए उसने क्या किया, उनको खूब जोर से आंधी आई, अंधकार हो गया, सब बालू और धूली सब उड़ने लगी। कृष्ण इतने भार हो गए कि मैया ने उठा करके यहाँ पर रख दिया। आसपास में कुछ नहीं दिख रहा था, अंधकार हो गया और उसी समय वो असुर इनको लेकर के यहाँ रख करके उड़ गया, हवा जैसा रूप धारण करके। कृष्ण ने उसके इस गले को पकड़ लिया, कुछ इधर उधर भ्रमण करके उड़ करके बोले जी अच्छा ठीक है। तो उस गले को ऐसे दबाया कि लाल लाल आंखें रसगुल्ले जैसे निकल आए और बोले जो मेरे पकड़ने से ही तो यदि तू मर जाता है, आंखें निकल जाती हैं और मर जाता तो मैं क्या करूं, मैं तो खेल रहा था, तुम लेकर के हमको उड़ गया। और वहां से वो गिरा चकनाचूर होकर के पत्थर पर गिरा, वो मर गया और कृष्ण जैसे के तैसे। छोटे से कृष्ण, बड़े बड़े देवता लोग भी नहीं समझ पाते जैसे ये परमेश्वर भगवान है, ईश्वरों के भी ईश्वर है, सर्व कारण का है। तो इन असुरों की तो बात, तात्पर्य क्या है, लोगों की आंखों में धूल देना कपटता के साथ, क्या भगवान कोई नहीं है? और भगवान है तो ब्रह्म तो मैं ही शिव ओम मैं ही। इन शास्त्रीय युक्तियों को हटाकर कहते भगवान नाम का कोई चीज नहीं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक कैन बी मेरी।